व्हाई डू वी ड्रीम, हम सपने क्यों देखते हैं, हमें सपने क्यों आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। हम सपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अच्छे बुरे या कोई से कई सारे ऐसे सपने देखे होंगे जिसके बाद हम उस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें सपने आते क्यों हैं, हमें इसका क्या मतलब है। तो कई बार होता है हम नेट पे इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कई बार अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, पर क्या होता है हम अपने एग्जैक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाते। इसका एक ही रीज़न है कि अभी तक जो भी हमारे रिसर्च वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, इस चीज़ का कुछ एक मेन कंक्लूड वो नहीं दे पाए हैं कि हमें सपने आते तो आते क्यों हैं, पर इस चीज़ का कंक्लूड तो नहीं हो पाया है। पर इसके बहुत सारे थ्योरीज बने हैं, उस थ्योरीज के बेस पे आज हम इस वीडियो में कुछ बात करेंगे कि हमें सपने आते क्यों हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और आप सबका मैं अपने चैनल रिविजन तरीका में स्वागत करती हूँ। आज हम बस बात करेंगे साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट में क्या होता है, जो हमारी नींद होती है वो नींद का आने का कारण क्या होता है। दो ही कारण में नींद हमें आ सकते हैं, सॉरी सपने आ सकते हैं, या तो REM जो कि रैपिड आई मूवमेंट होता है, और एक non-REM जो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है, जो हम सो रहे होते हैं तो भी हमारा माइंड तो है वो एक्टिव होता है, वो काम कर रहा होता है, जो भी उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होता है। हमारा शरीर तो सो रहा होता है पर हमारा माइंड जो है वो जगा रहता है, वो काम कर रहा होता है, अपना जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है। पर उस टाइम क्या होता है, जो हमारे पास केमिकल होते हैं जैसे हिस्टामिन और उसका मैंने लिखा है सेरोटोनिन, ये सब रिलीज नहीं हो पा रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमें उतना वो चीज़ फील नहीं हो रही, बॉडी वगैरह नहीं हिल रही होती है, और हम बस वो चीज़ को एक ड्रीम की तरह देख पाते हैं। तो ये कब होता है, जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो दिन भर हमने कोई चीज़ की होती है, कोई काम की होती है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, उस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है हमारे मन, ताकि हम उस चीज़ को कल बहुत बेटर कर पाए। तो उस समय क्या होता है, जब वो कनेक्ट कर रहा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस इमेजेस वगैरह को अपने मेमोरी में स्टोर करने के लिए, तो हमें कुछ फ्लैशी इमेजेस नज़र आते हैं हमारे माइंड में, तो वो होता है कि हमें एक ड्रीम की तरह वो चीज़ हमें दिखता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार कुछ लोग तो नींद में चलने लगते हैं, उसको हम स्लीप वॉकिंग कहते हैं। कई बार होता है ड्रीम देख रहे हैं, उनको रैपिड आई मूवमेंट हो रही है, उनकी आँख ऐसे 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 मूव कर रही है, पर ये हम अपने आप की आईज को कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम तो उस टाइम सो रहे होते हैं, हमारी आईज तो क्लोज हो रही होती है। पर किसी के माइंड को जब हम स्टडी करते हैं रिसर्च फील्ड सब में, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हम उसकी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसको हम देख पाते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी किया गया है। तो कई बार जो ऐसे रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है, वो सोया हुआ होता है और उसकी आँख अचानक से खुल जाती है, तो क्या होता है, उसके शरीर तो नहीं हिल पा रहा होता है, पर उसे पता चल जाता है कि वो जग गया, उसकी आँखों से ऐसे नहीं तो कि कुछ दंग सा हो गया, वैसा कुछ हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें 8 से 10 सेकेंड के बाद आप अपने जो बॉडी मूवमेंट्स है उसको हिला पाते हो, क्योंकि उस टाइम माइंड उस स्टेट में नहीं होता, उसको लगा रहा होता है कि वो REM के स्टेट में, मतलब रैपिड आई मूवमेंट के स्टेट में, पर क्या होता है वो जग जाता है किसी टाइम, ये थोड़ा सा मिस फंक्शनिंग हो जाता है हमारे माइंड में। तो सपना आने का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, या जो भी मैं मानती हूँ इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे रिसर्च है, साइंटिस्ट जो भी कहते हैं, उन सब बातों को सुनने के बाद, कि जो REM स्टेट है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उस टाइम जो होता है हमें कुछ फ्लैशी इमेजेस अपने माइंड में शो होते हैं, तो उस वजह से हमें सपने आते हैं। इसके अलावा अलग अलग थ्योरीज भी है कि हम क्यों सपने देखते हैं, कि हम अपने विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कोई इच्छा है उसे आप करना चाहते हो, तो आप उसके लिए सपने देखना स्टार्ट कर देते हो। कई बार होता है कि हम कोई चीज़ भूलने लगते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो उस चीज़ के भी हमें सपने वगैरह आने लगते हैं। मैंने एक और पॉइंट लिख रखा है, जिसमें क्या होता है कि हम जब अब सोते हैं, सोने से पहले भी हमें क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत सोचने की आदत होती है, तो सोचते उनको क्या होता है कि वो चीज़ की एक ड्रीम सा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर सोते रहते हैं तो उनको उस चीज़ का भी अपने माइंड में आता रहता है कि हमें ये क्या देखा, हम क्यों देखे, ऐसा काश होता, मतलब ये उसी कैटेगरी में आ जाएगा कि हम अपने जो डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते हैं। और ये जो सपना हम क्यों देखते हैं, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए साइंस में एक अलग से ब्रांच बनाई गई है, जिसको ओनियोलॉजी कहते हैं, जिसका स्पेलिंग में कर देती हूँ क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ONEIROLOGY। ये ओनियोलॉजी जो है कि एक फील्ड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने सपनों की दुनिया की जो भी हमारी वो चीज़ है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और मैक्सिमम इस केस में देखा गया कि जो भी हम सपना देख रहे होते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में, वो क्या होता है कि जैसे हम उठते हैं उसका 90% हम भूल चुके होते हैं, बस हमें 10% याद रह जाता है, उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए सोच के उस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने देखा तो देखा क्या था। तो इस तरह से होता है। और एक होती है हमारी लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग क्या होता है कि हमें
पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। ये हालांकि बहुत लोगों के साथ हो चुका होगा, अगर किसी के साथ नहीं हुआ है तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, और जिनके साथ हो चुका है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मेरे साथ ऐसा हो सका है। तो आप सबका सपने के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा ख्याल तो ये है कि जैसे कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज या मैनेज कर रहा होता है हमारे माइंड में, तो उस वजह से जो हमारे माइंड में सपना आ रहा होता है। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये एक फैक्ट है, ये एक थ्योरी बेस्ड की गई है, कोई भी ये कंक्लूजन नहीं है। तो आप सबका क्या राय है सपने के बारे में? क्या आपने कभी कोई बुरा सपना या कभी कोई डरावना सपना या कभी कोई अच्छा सपना देखा है जो कि आपको हमेशा याद रहता है? तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।